सभी को भी जथाधिक प्रणाम। हरे कृष्ण। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु जगत में क्यों आए हैं। कल मैंने दो कारण बताया था, कोई बता सकता है और कोई बताए? ये दोनों दोनों माता जी हर्ष में आगे रहते हैं, कोई पूछो बात पूछना और किसको याद है? बताओ छोटा बच्चा। ठीक से हमने निकल क्या बताया, आप लोग सुन लो अच्छे तरह से याद कर लेना, ठीक है। दुनिया की बहुत सारी बात हम याद करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर भगवान की बात याद करोगे ना इसका महत्व है, ठीक है ना। तुम भी याद नहीं है? हरे कृष्ण। याद है? ठीक है, फिर तुम लोग का शुक्र है। हाँ बोलो, ठीक ठीक से बोलो। हरे कृष्णा।
क्या नहीं तुम इस मुद्दे से आ जाना क्या राजन शिवा क्या चक्षु तुम ही तुम ये भी दस्ते शीत हुए ना ब्रह्मा का जो एक दिन होता है और उसमें चैतन्य महाप्रभु एक ही बार आते हैं और ये कलयुग जो है वो धन्य कलयुग है। इस कलयुग में हमें नाम संकीर्तन के मतलब कलयुग में जो मूल हमारा उद्धार का जो तरीका है वो नाम संकीर्तन है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए। क्योंकि सतयुग में तो सभी लोग धर्मात्मा थे, वो लोग यज्ञ तप करते थे, उस समय हमारी जो आयु थी वो 1,00,000 वर्ष थी और उसके बाद में उसमें त्रेतायुग में वो हवन करते थे और उसमें द्वापर में ये जैसे मंदिर मार्जन वगैरह इस तरह से हमारा अर्चन था, लेकिन अर्चन भी है और लेकिन कलयुग में हमारी आयु ही 100 वर्ष है। अगर 100 वर्ष की आयु में 100 वर्ष तो कोई नहीं जिएगा और जितने भी हमारे पास आयु है हम केवल नाम संकीर्तन करके ही अपना उद्धार कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण का एक एक तरह से मिलावा रूप है। जब उन्हें हमारा उद्धार करना होता है तो वे राधा कृष्ण अलग बन जाते हैं, राधा जी अलग बन जाते हैं। अब हम यदि हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे तो हमें एक तरह से दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो हमें गोलोक धाम मिलेगा और यदि हम अच्छी तरह से करेंगे तो हम उनके नित्य परिकर बन सकते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं हमारा हमें भक्ति की एक माला प्रदान करने के लिए इस कलयुग में आए थे और हमें ये चाहिए कि हम उनकी शरण में चले जाएं ताकि हमारा शीघ्र उद्धार हो। हरे कृष्ण। और इससे और अच्छा भी बात बता सकता है और अच्छी तरह से हर चीज को और अच्छी तरह से कोई बोल सकता है। एक ही बात दोहराना नहीं, जो जो उसमें कोई नई चीज है जिसमें नई चीज होनी चाहिए, उन लोग कोई नोट सही से नहीं कर ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें बोल दिया ब्रह्म वृंदावन बिहारी जय श्री राधे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु जगत में आने का 4 कारण है, दो तो साधारण कारण है और दो उसमें विशेष कारण है। दो साधारण कारण में जो पहला कारण है कलियुग का जो जुगत धर्म ये हरिनाम संकीर्तन है, यदि ये एक कारण है। अभी प्रश्न है, कल हम ये सुन रहे थे सत्ययुग में लोग भी हरिनाम करते थे, तृतीयाजुग में भी हरिनाम करते थे, तो अपर युग में भी हरिनाम किए, कलियुग में भी हरिनाम किए, लेकिन वो हरिनाम करने का जो फल है कलियुग में जो हरिनाम करने का फल में क्या विशेषत्व है? कहते दूसरे दूसरे युग में तो हरिनाम करते थे लेकिन ये कलियुग में भी तो हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसलिए उसने ये फर्क बताए जो दूसरे दूसरे सत्य युग में जो हरिनाम करते थे उसका फल था वैकुंठ लोक, तृतीया युग में जो हरिनाम करते थे उसका फल था अयोध्या, द्वापर युग में जो हरिनाम करते थे उसका फल था वृंदावन, लेकिन कलयुग में जो महाप्रभु की आनुगत्य में जो हरिनाम कीर्तन है इसका विशेष महत्व है। बोले इसका क्या महत्व है? बोले यदि एक साथ में वो गोलोक वृंदावन में भी जाएगा और एक साथ में वो महाप्रभु का धाम में भी जाएगा और विशेष करके श्री राधा रानी की निकुंज मंदिर में उसको सेवा प्राप्त होगा है, महाप्रभु का आनुगत्य में सेवा करने से ये विशेष फल है। यदि द्वापर युग में यदि उसका जो दूसरा कारण थी यदि महाप्रभु हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते, हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते,
हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर त्रेतया में राम नहीं आते, ये सब आते हैं। ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इसी मध्य जगत में आते हैं और आके के महाप्रभु क्या प्रदान करते हैं, बड़े बड़े दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं। जो प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा जी पत्थर बनने के लिए प्रार्थना की, जो प्रेम को पाने के लिए उद्धव जी घास गुलम लता जन्म लेने की प्रार्थना की, जो प्रेम को पाने के लिए श्री शंकर जी गोपी बन करके भी आए, जिसे प्रेम को पाने के लिए श्री नारद जी कठोर तपस्या करते थे, लेकिन महाप्रभु के आधिपत्य में अगर कोई भक्ति करे तो वो जो दुर्लभ प्रेम है केवल कलयुग में हरिनाम कीर्तन करने से, केवल महाप्रभु के आधिपत्य में केवल हरि कीर्तन करने से ही वो दुर्लभ प्रेम हमें आसानी से मिल जाएगा। वो कौन सा प्रेम है, बोले राधा रानी की आधिपत्य में उनकी निकुंज महल की जो सेवा है, ये सेवा सभी को प्राप्त नहीं, केवल राधा जी की आधिपत्य में ही वो चीज मिलती है। इसलिए कल सुना कि तीन तरह का भगवान की गोपियाँ हैं, एक सुपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ। यदि राधा जी की आधिपत्य में जो सेवा करते हैं इनको पूर्ण रूप में दीजिए, निकुंज की सेवा उनको जीव को प्राप्त होता है। इसलिए कल हमने बहुत कथा सुने थे, अभी कहती है तो दो साधारण कारण हैं, कहते उसमें दो विशेष कारण हैं। बोले दो विशेष कारण क्या है, मन देकर सुनना और कल मेरे को बोलना, ठीक है। दो विशेष कारण ये है, हरे कृष्ण जो पीछे बैठे हुए कथा सुन रहे ना, गप मार रहे जो पीछे बैठे हैं ना, वो सोच रहे हैं हमें कोई पूछेगा कि हम पीछे बैठे, इसलिए सब सब पीछे बैठ जाते हैं और कथा नहीं सुनते हैं ध्यान से। इसे ध्यान से कथा सुनना, कल जो पीछे बैठे ना सबसे पहले हमको प्रश्न करें, ठीक है। हरे कृष्णा, कहते श्री अद्वैत आचार्य जब किसी जगत में आए, कहते अद्वैत आचार्य कौन है, कहते सदाशिव ही महाविष्णु। जब उन्होंने इसी जगत में आए, ये जगत का बड़ा दुर्दशा देखा, बोले क्या देखा, बोले किसी को भी भगवान की भजन करते हुए नहीं देखा, भक्ति नहीं कर रहे, देवी पूजा करते हैं, उसको सामने बलि चढ़ाते हैं, बिल्ला बिल्ली की शादी करवाते हैं, करोड़ रुपया उसमें खर्च कर देते हैं, एक बिल्ला की तरफ में, एक दूसरे बिल्ली की तरफ में, एक कुत्ता की तरफ में, एक कुत्ती की तरफ में, है दूल्हा दुल्हनी बना करके उनको पालकी में बैठा करके काचे बाजे को साथ में करोड़ रुपया खर्च करते हैं। भगवान के भजन भजन से कोई मतलब नहीं, अगर कोई गला में पट्टी पहन लिया, कोई तिलक रख लिया, चोटी रख लिया, उसको पीछे बढ़ जाते थे, बोले कौन सा पाप तुमने की गले में ये लकड़ी पहन ली है, तिलक लगा तो निंदा, चोटी रखे तो बोले क्या एरिया में तुमने रख लिया। इसलिए एकदम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते थे। ये चीज को देख करके श्री अद्वैत आचार्य उन्हें बड़ी चिंता में पड़ी, बोले इनकी कल्याण कैसे हो, इनके उद्धार कैसे हो, हैं कहते इन्होंने क्यों ये चिंता की, कहते ये महाविष्णु थे। बोले महाविष्णु कौन है, बोले जब ये माया को प्रति दृष्टि करते हैं, माया अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करती है, ये सृष्टि का मूल कारण है। जैसे आपने एक बच्चे को जन्म दिया, आपका क्या कर्तव्य है, बच्चे को बढ़िया बनाओ, होनहार बनाओ, लिखा पढ़ा सिखाओ, उसको योग्य बनाओ, ये पिता माता का कर्तव्य है। इसलिए जगत का वो पिता है, इसलिए उन्होंने देखा ये बच्चे तो सबके सब विमुख, कृष्ण विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान हमें जो ये मानव शरीर दिया, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार हमें ये मानव शरीर मिला। ये जीवन का सार्थकता कब, बोले तभी सार्थकता जब ये जीवन पा करके हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की
भक्ति करे, जीवन में सब कुछ तुमने कर लिया, सारे कर्तव्य को पूरी कर लिया, लेकिन भगवान की भक्ति अगर तुमने पूरी नहीं की कहते तुम्हारे सबके सब जीरो, वो सबके सब धरा रह जाएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। लेकिन अगर जीवन में कोई भी कर्तव्य तुमने पूरी नहीं की, केवल जीवन में एक ही कर्तव्य अगर पूरी कर ली, भगवान की भक्ति करिए ना, बस समझो तुम्हारे सारे कर्तव्य हो गए। आप बताओ मीरा ने कौन सा कर्तव्य की जो दुनिया उसकी पूजा कर रही है? बताओ कौन सा कर्तव्य की? भगवान की भक्ति की। आप सुने होंगे जब वो भजन करते थी, उसका चेत, उसका ननन, उसकी सास, उसकी देवर, उसका पति, वहां करके कुत्ता करके उसको पीछा नहीं छोड़ा। जब भगवान की भजन की, सारा दुनिया उसको पीछे करी ली, लेकिन अभी दुनिया में किसकी नाम हो रही है? किसका नाम हो रही है? मीरा की नाम हो रही है। जब प्रहलाद ने भजन किया, उसको पिता ही मारने के लिए, जी जान से मारने के लिए कोशिश की, लेकिन जगत में किसका नाम हो रहा है? प्रहलाद का नाम हो रहा है। विभीषण ने जब भजन की, रावण ही लात मार करके लंका से निकाल दिया, उसको लंका से निकाल दी। लेकिन अभी देखना, हर साल रावण के पुतला को जलाते, हर साल जलाते है ना, वो कब आया था द्वितीया युग में, करोड़ों साल पहले, अभी भी उसको हर साल उसको जलाते हैं। बोले क्यों? कारण है भगवान की भक्ति की उसने विरोध की है, भगवत भक्ति की उन्होंने विरोध की है। लेकिन विभीषण की पूजा हो रही है, बोले क्यों? बोले उन्होंने प्रभु राम की शरण में आ गया, भक्त की शरण में आ गया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भले ही दुनिया की सारे कर्तव्य तुमने पूरा की, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया तो सबके सब बेकार, सबके सब बेकार है। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं, ये लोग तो दुनियादारी में लगे हुए हैं, लेकिन जो जीवन जिस काम के लिए भगवान ने दिया वही काम को ही छोड़ दिए, और जो काम के लिए नहीं दिया उसी काम में लग पड़े। अभी प्रभु सोच रहे हैं इनकी कल्याण कैसे होगा, इनके कल्याण कैसे होगा, मैं तो इनका कल्याण कर सकता हूँ, हरिनाम देख करके इनका कल्याण कर सकता हूँ, क्योंकि वो महाविष्णु है। लेकिन उन्होंने देखा कि जो कलियुग है ये साधारण कलियुग नहीं, ये कौन सा कलियुग है? ये धन्य कलियुग है, जिस कलियुग में श्री महाप्रभु आएंगे और वो दुर्लभ प्रेम ब्रज प्रेम को प्रदान करेंगे। ये काम तो मैं नहीं कर सकता, केवल मेरे प्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु ही ये काम को कर सकते। अभी उन्होंने सोचा इनको जल्दी से जल्दी, अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो कैसे जल्दी जल्दी प्रभु खुश हो, तब उन्होंने सारी गीता भागवत रामायण वेद पुराण सब ग्रंथ को ढूंढे, लेकिन ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक में लिखा, तो श्लोक में लिखा हुआ था तुलसी दल मात्रेण, उसमें ये लिखा हुआ था अगर कोई सच्चा हृदय से सच्चे हृदय से गंगा के पानी हाथ में ले और उसमें एक तुलसी पत्ता छोड़ दे, अगर भगवान को अर्पण करे तो भगवान उनकी ऋणी से ऋणी होने के लिए अपना सर को फुलाने लग जाते, हम सर कम फुलाते जब ज्यादा ऋणी हो जाते, हम ऋणी से मुक्त कैसे होएंगे, तब हम सर फुलाने लग जाते। इसलिए कहते हैं गंगा और तुलसी में इतनी शक्ति है, भगवान उसको ऋणी उतारने के लिए भगवान सर फुलाने लगते हैं, हैं? क्यों? बोले तुलसी कौन है? बोले तुलसी साधारण नहीं, हम कह रहे ना वृंदा आई तुलसी देवी, प्रिया आई केशव सज, कृष्ण भक्ति प्रद देवी। इसको ये श्लोक याद है, हाथ ना इसको देखो, ये श्लोक को सबके सब याद कर, जब तुलसी में पानी देते हैं ना, ये श्लोक को बोल करके पानी देनी चाहिए, ये श्लोक को सबके सब याद रखना। जिन लोगों ने हरिनाम लिया और नहीं लिए, मैंने आपको एक पेपर दिया है, एक पेपर मैंने दिया, मैंने कहा रोज उसको पीछे पहले गुरु जी के प्रणाम है, फिर वैष्णव का, फिर महाप्रभु,
कृष्ण राधा रानी उसको नीचे देखना किस श्लोक है, मुझे लगता है कोई श्लोक को पढ़ते नहीं इसलिए याद नहीं कर पाते, इसलिए इस श्लोक को जैसे कहीं गए थे भक्त लोग बगैर भगवान के भोग लगाए खाना नहीं खाते, लेकिन जब तक उसमें तुलसी पत्ता नहीं देते हैं वो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता, तुलसी पत्ता के बगैर भोग नहीं लगता है। अभी तुम्हारे पास में तुलसी पत्ता नहीं, क्या करोगे, बाहर गए कहीं खंडी करके खा रहे हो, क्या करोगे, इसी मंत्र से आप इसी मंत्र से बोल करके वृद्धाय तुलसी देवी प्रिया केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमः, आप इसी श्लोक को बोल करके हरे कृष्ण बोलते ना, नहीं तो जिसको गोपाल मंत्र मिला हुआ है ये गोपाल मंत्र से ठाकुर जी को 10 बार बोल करके भोग लगा दो, नहीं तो गले में जो तुलसी कंठी है ना तुम्हारी, ये तुलसी कंठी को उस पर स्पर्श करा देना, उस पर टच करा देना, फिर तुलसी की स्पर्श हो गया फिर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जो तुलसी कौन है, ये तुलसी साधारण नहीं, भगवान की प्रिया ये तुलसी है, हैं? ये तुलसी कोई वृंदा नहीं, बोलो तो वृंदावन में जो वृंदा देवी गोलोक वृंदावन से उन्होंने ये तुलसी वृक्ष रूप में इस जगत में आए, इसलिए भगवान स्वयं बता रहे छापान भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाहीं, जब तक तुलसी पता नहीं देते हो तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए देखो एक समय अब कुरुक्षेत्र में सारे भक्त लोग एकत्रित हुए, वहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण में हैं सबके सब जितने ब्रजवासी जितने द्वारकावासी जितने मथुरावासी पृथ्वी के सारे लोग वहीं पर आए, कहां पर आए थे, जैसे कुरुक्षेत्र में वहां पर सबके सब वहां पर एक ब्रह्म हृदय है, सबके सब उसमें स्नान करके हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद स्नान किया, नियम है स्नान करने का बाद साधु संतों को दान देनी चाहिए, ये नियम है, तभी तुम्हारे स्नान करने का पूर्ण फल मिलेगा। इतने में श्री नारद जी आए, नारद जी रुक्मिणी सत्यभामा को बोले देखो जब तक स्नान करके संतों को दान नहीं करते हो ना यहाँ आने का फल नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं जो रिजेक्ट वस्तु संतों को दान देते हैं जो खाते पीते नहीं, सबसे गंगा जी ने सबसे प्रिय वस्तु संतों को दान देनी चाहिए। अभी सत्यभामा देखा मेरे तो सबसे प्रिय कन्हैया है, मेरे सबसे प्रिय कौन है, कृष्ण है, फिर कृष्ण को ही दान देनी चाहिए, उन्होंने संकल्प करके उन्होंने कृष्ण को ही दान दे दिए। नारद जी ने कहा देखो आज से कृष्ण मेरा चेला हो गया, तुमने कृष्ण को दान दिया ना, अभी वो मेरा चेला और मैं तो संत हूँ, बस इसको लंगोटी पहना करके मूर उड़ा करके चोटी कर रख करके गला में कंठी और तिलक लगा कर उसको बाबा जी बना देगा, क्योंकि मैं बाबा जी साथ हूँ, अभी जो जो चीज मेरे को दान करोगे वो तो मेरे चेला बन गया ना, उसको लेकर के जा रहा, बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, कृष्ण तो हमारे हृदय है, कृष्ण के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं, बोले देखो और एक काम कर सकते हो, बोले क्या, बोले एक तराजू लाओ और कृष्ण के बराबर सोना भोजन करके मेरे को दान दे सकते, बोला हाँ ये कर सकते, बोले तराजू मंगवाई, भगवान कृष्ण को एक तरफ में रखे और सत्यभामा ने शरीर का जितने अलंकार, पहले जो माता है ना बहुत अलंकार पहने करते, मैंने देखा अपना माता जी को हाथों में तो इतने इतने बड़े चांदी के इतने इतने मोटे मोटे प्यार में इतने मोटी मोटी यहाँ पर इतने बड़ी बड़ी और गले में कमर में 5-7 किलो तो भोजन हो, मैंने जो देखा अपना भैया मैंने देखा, और भगवान के समय पर ठाकुर जी के समय पर है इसलिए पूरा शरीर को कितना 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार और 12 आभरण मतलब 12 तरह का जो कपड़े और 16 तरह का श्रृंगार, हाथ पर
सर पर, कान पर, नाक में, गले में, हाथों में, कमर में है। अभी उन्होंने सारे सोने को उन्होंने उतार करके एक तरफ रख दिया, लेकिन भगवान के बराबर दुनिया में कोई चीज हो सकती है? विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक, लेकिन इनका बस भी नहीं थे। अभी तो संतमा चिंता में पड़ी गई, बड़ी उधर उधर झांकने लगी। कृष्ण की कितने पटरानियां थी? कितने पटरानियां? 16,108। इतने में उन्हें रूपड़ी की तरफ जो देखा, रूपड़ी समझ गई। उसने भी सारे श्रृंगार उतार करके तराजू की एक तरफ में धर दिया, लेकिन दस दस नहीं हुए। फिर संतमा दूसरे की तरफ में देखा, काली भी सारे उतार कर रख दी। फिर बिंद्र बिंदा भी सब कुछ उतार कर रख दी, लक्ष्मणा भी सब कुछ, लेकिन कृष्ण तस से बसी नहीं हो। फिर तो नारद जी बोले, भैया मैं तो अपना चेले को लेकर जा रहा हूँ, अपना चेले को। सबसे सबके सब बड़े चिंता में पड़ी गई। बोले भैया क्या करें? बोले उनको पता चला यहाँ पर श्री राधा रानी आई हुई है। सबके सब श्री राधा रानी की शरण में गए। तब राधा रानी आ करके बोले कि जितने सोने चांदी है ना, ये सारे सोने चांदी उतार करके एक तुलसी पत्ता ला। और राधा रानी अपना आंखों का आंसुओं से तुलसी पत्ते के ऊपर श्री कृष्ण नाम बोली थी, ली करके तराजू में जब एक तरफ में धर दिया ना, और कृष्ण जो कृष्ण कौन है, जिनके शरीर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है, विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, लेकिन ये तुलसी पत्ता और कृष्ण नाम रखते ही वो तो हो गया एकदम नीचे, पत्थर जैसे नीचे आ गया, और कृष्ण हल्का होकर ना एकदम ऊपर उठ गया। ब्रजी वृंदावन विहारी लाल की जय। ब्रजमती राधा रानी की जय। सारे लोग देख देख तक रह गए। बोले भैया तुलसी पत्ते में इतनी शक्ति, और भगवान कृष्ण नाम में इतने शक्ति, इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए तुलसी काल में भगवान बीत जाते हैं तुलसी पत्ते में, इसलिए उन्होंने ये श्लोक को शास्त्र से पाया है। अगर कोई एक तुलसी दल और गंगा पानी, बोले गंगा कौन है? जब ये भगवान के चरणामृत है, भक्त जी के चरणामृत नहीं तो भगवान के प्रेम ही ये गंगा नदी रूप में ये बह रही है, गंगा नदी रूप में। इसलिए गंगा में इतने पवित्रता, गंगा में जब श्रीमान महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे हैं, महाप्रभु संन्यास लेकर के जाते समय, लेकिन कहीं भी उन्होंने कृष्ण नाम नहीं सुना, कहीं भी भगवान के नाम नहीं सुने। लेकिन जब एक जगह पर पहुंचे, देखा वहां पर जो गैया चरा रहे बालक, वो क्या बोल रहे हैं? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हरि बोल। महाप्रभु ने देखा इतने दूर तक आया, कहीं तक इसकी मुंह में हरि का नाम नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर देखा बच्चे लोग हरि बोल कैसे बोल रहे हैं। देखा एक ही कारण है, देखा पास था गंगा बह, पास में ये गंगा नदी बह रही थी, इसलिए गंगा नदी की पवित्रता इतनी नहीं, केवल इसकी हवा जिसकी शरीर में लग जाए ना, बात उसका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है, उसके हृदय पर भी कृष्ण भक्ति प्रेम की संचार हो जाता है। अब बताओ कि बड़ों वासियों का अंदर कितने भक्ति का आशा, आप लोगों का हृदय में इतने भक्ति का आशा है, जबकि पास में गंगा बह रही ना, ये नाली में कौन सा पानी जा रही है? गंगा जी। और पास में यमुना है, पास में यमुना है, और ये गंगा नदी है, इसलिए इसकी हवा जहाँ पर लग जाए ना, उसका हृदय में भी भगवत भक्ति की प्रेम उसके हृदय में संचार हो जाता है। इसलिए गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते हैं, आप ध्यान देते सुन। बोले एक समय जो जो गुणिनी होता है ना, जो भूतों को बताता है, एक समय वो जा रहा था, देखा कुछ भूत लोग बैठे करके वहाँ बैंड बड़ी बजा बज रही और बड़े उत्सव हो रहा था। उसने देखा भैया आज भूत लोग ये
ये बैंड पार्टी बजा बजा करके बड़े उत्सव करा रहे हैं। वो तो मंत्र जानता था, शरीर को बांधना जानता था, उसने एक भूत उपलब्ध करा। तो भैया क्या बात है, आज तुम लोग यहाँ उत्सव में कर रहे हो? बोले कल हमारी एक बेटी की शादी होने वाली। बोले कैसे? बोले हमारे पास में एक बेटी है जो अपमृत्यु से अपमृत्यु को बाद में प्रेता का बेटी है। बोले फिर दूल्हा कब कहाँ से आएगा? दूल्हा नहीं रहे। बोले दूल्हा कहाँ से आएगा? बोले कल के भूतों को सारी बात पता है। बोले कल दोनों सार में लड़ाई हुई। लड़ाई होते समय एक जवान लड़का जब किसी तरह से दोनों सार दोनों को छोड़ेंगे नहीं, ये छुड़ाने के लिए जाएगा और वो सार बड़ा गुस्सा में होगा और सींग से उसको पेट में ऐसे मारेगा, वहीं पर अपना प्राण त्याग कर देगी, वो अपमृत्यु से वो मरेगा। इसलिए कल प्रेत करके जाएगा। तो कल करिए, हमारे पास में दूल्हा नहीं है, कल दूल्हा आएगा तो कल हमारी शादी होगी। उसको बड़ा आश्चर्य लगा। सचमुच से वो जो गुणी था उसने पता लगाया, चुप कर बैठो, इसलिए उन्होंने पता लगाया सचमुच से दोनों साठ में लड़ाई हुई और एक जवान ने उसको प्राण त्याग दिया। उन्होंने सचमुच से देखा। लेकिन जब दूसरे दिन फिर जा रहा था, देखा वो भूत लोग बैठे थे, रो रहे थे। बोले भैया क्यों रो रहे? बोले बहुत बड़ी का अनहोनी हो गई। बोले अनहोनी क्या हुई? मैं तो पता लगाया सचमुच से दोनों साठ में लड़ाई हुई और एक जवान ने प्राण त्याग दिया। अरे अनहोनी क्या हो गई? बोले अनहोनी ये हो गई, आप देखना जब सार सीर में जब खुजली बजती है, आप देखना मिट्टी को सीर से गुजरता है, आप मिट्टी को खोलता है। कहते एक सार ने गंगा किनारा में अपना सीर से मिट्टी को उसने खोदा था और उसकी सीर में जो गंगा का जो रज है धूल वो सीर में लगी हुई थी। जब उसने मारा वो जवान को, वो गंगा का रज था और उसका शरीर में गंगा रज का स्पर्श होते ही वो भूत क्या बनेगा? सीता बेगम चला गया। इतने इसलिए आप देखना मृत्यु का समय में गंगा पानी सबके सब गंगा पानी देते हैं, मुंह में गंगा पानी देते हैं सबके सब। इतने गंगा की इतने पवित्रता है गंगा की, ये गंगा साधारण पानी भगवान की चरणामृत, भगवान के चरण और चरणामृत में कोई फर्क नहीं। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य ने जब उन्होंने गंगा पानी और तुलसी दल जब दे करके उन्होंने भगवान को उन्होंने अर्पण की, इतने में भगवान कहते हैं सुप्रिया आचिन समुद्र सागर निद्रा भंग भैलम और नड़ार होता है। मैं तीन समुद्र में सो रहा था अनंत नाथ ऊपर में, लेकिन ये अद्वैत आचार्य जी ने जब मेरे को बुलाया उसने मेरे सिंहासन को उसने हिला दिया। नाड़ा मतलब होता है हिलाना, इसलिए मेरे को उन्होंने गोलोक वृंदावन से इसी मध्य जगत में उन्होंने मेरे को ले आया। इसलिए कहते महाप्रभु आने का कहते ये एक विशेष कारण है महाप्रभु क्यों आए, याद रहेगा ना? कहते कहते ये मुख्य का ये गौ, लेकिन जो मुख्य कारण है सबसे जो मूल कारण क्या है, ये चीज को याद रखना सबके साथ। इसलिए बताए जब भगवान कृष्ण इसी द्वापर युग में कृष्ण आए, इनकी मन में जो कुछ इच्छाएं थी सब इच्छा उन्होंने पूरी की। बोले क्या इच्छा थी, क्या इच्छा थी? बोले भक्तों का प्रेम का आस्वादन करना है। लेकिन भगवान होते हुए भी सखाओं को प्रभु ने चुन लिया, सखाओं को साथ में खेले। कभी कभी श्रीदाम कृष्ण को पछाड़ देता था, कभी उनको कंधे पर बैठा देता था। अगर कृष्ण कभी हार जाएगा उनके अंदर में सत्य रहता था, देखो जो हार जाएगा उनको ये माठ गांव से भांडेरी बढ़ कर घोड़ा बन करके पीठ पर खड़ा पड़ेगा। जब कृष्ण कभी हार गए बोले कन्हैया घोड़ा पर, बोले मैं घोड़ा नहीं बनता,
मृत्यु घुराती मन का केवल नहीं जिंदा मन का देखो ये कृष्ण को अकेले कर इससे कोई बात नहीं करना कोई बात नहीं करना इसको साथ में कृष्ण बोले नहीं 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 मेरे को इस अकेला मन करके घुरा बन बोले बने बनोगे घोड़ा बोले हाँ बोले घुरा बन इसलिए भगवान होकर के घोड़े बने झूठा न खाए सखा को साथ में चले भगवान होते हुए भी तुमने चोरी की मैया ने शासन की तान बोल दी उनको कभी उखल में बांध दी है इसलिए भगवान होते हुए भी मक्खन के लिए बचन देते मैया मेरे को मक्खन खिलाते हैं इसलिए अगर कभी मैया बोले तुमने मक्खन खाई कृष्ण कभी कभी डरते थे कृष्ण क्या कहते हैं बोले मैया मोही Oh, yeah.
इतने बात से ले रहे भी आशीर्वाद नहीं थी, लेकिन ये भगवान होते हुए भी गोपियों के चरणों में मैंने प्रेम की प्रार्थना की। अगर कभी राधा रानी मान कर ले तो कृष्णा उनको मनाने के लिए कभी कभी अपना सर से मयूरी पंख उतार कर रख लेते थे, कभी उनके चरण में बंसुरी उतार करके रख लेते थे। बोले हे राधे अभी उन्हें क्यों मान की वो मान को छोड़ दे। अभी कृष्णा गोलो को वृंदावन में निकुंज में बैठ बैठ कर ये सब चीज सोच रहे हैं, कहते सारे रस को तो मैंने आस्वादन की लेकिन एक चीज मेरे दिमाग से ऊपर चला गया जो चीज को मैं आस्वादन नहीं कर पाया। बोले वो क्या है? बोले राधा रानी की क्या प्रेम की महिमा है। राधा रानी कृष्ण के गोद में बैठी हुई, राधा रानी के गले में एक सुंदर कमल के फूल के हार की माला थी। इतने में एक भौरा आ करके कमल फूल ऊपर बैठना कोशिश की, राधा रानी डर गई, डर करके भौरा को भगाने के लिए कोशिश की। कहते इसी जगत में स्त्री जाति तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं पद्मिनी। पद्मिनी मतलब जिस स्त्री की शरीर से कपल फूल का पुष्प निकले इसको कहते पद्मिनी, इसलिए राधा रानी ये पद्मिनी है। जब राधा रानी उसको हटाने के लिए कोशिश करती है लेकिन उसको तो पद्मिनी जितना हस्त कमल चरण कमल नेत्र कमल मुख कमल है नाभि कमल, राधा रानी की हर अंग को कमल 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 को साथ में थी। वो मधुमक्खी भगेगा क्या और पास में आ रहा है। कृष्ण ने एक सखा था मधुमंगल, बोले कृष्ण ये मधुमक्खी बड़ा तंग कर रहा है उसको भगा करके आ जाओ। तो उसने एक लठिया लेकर के मधुमक्खी को भगाते भगाते बड़ी दूर पर भगा करके आ गया। बोले कृष्ण मैंने मधुसूदन को इतने दूर में भगा करके आ गया, अभी ये मधुसूदन आ ही नहीं सकता है। भौरा का एक नाम भी मधुसूदन, मधुसूदन मतलब क्या है? मधु मतलब होता है सहेज, सूदन मतलब होता है जो भक्त रूपी प्रेम मधुओं को जो आस्वादन करे उसको जो ग्रहण करे। अभी राधा रानी गोद में बैठी हुई, बोले मधुसूदन को इतना दूर उन्होंने भगा करके आए, मधुसूदन और आ ही नहीं सकते हैं। वो कृष्ण की गोद में बैठी हुई और वहीं पर राधा रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। कृष्ण ने देखा ये बैठी हुई मेरी गोद में लेकिन उसको इतने पीड़ा है मेरी की हैं, कृष्ण को इतने दूर तक भगा करके आ गए। कृष्ण ने देखा फिर मेरे को ये ब्रज छोड़ना मेरे को पड़ेगा, क्यों? जब मैं नहीं रहता हूँ राधा रानी मेघ को देख करके मेरे रूप मान करके बात करती है, तमाल वृक्षों को कृष्ण मान करके आलिंगन करती है, लेकिन मैं पास में बैठा हूँ लेकिन राधा रानी मेरे विरह में बेहोश हो गई। इसलिए राधा रानी के अद्भुत प्रेम की चमत्कारिता और कहते राधा रानी को देख करके मुझे भी आनंद होता है लेकिन मेरे को देख करके राधा रानी भी आनंद लेती है, लेकिन मुझे जितने आनंद राधा रानी को देख करके होता है उससे करोड़ों गुण राधा रानी को ज्यादा आनंद होता है। एक गुण नहीं दो गुण नहीं कितना गुण है? बोले करोड़ों गुण मेरे से ज्यादा आनंद से ही राधा रानी को मिलता है। मेरा गला कितना सुरीला है, इतने सुरीला मेरे गला है, मेरे गले को सुन आवाज सुन करके बंद से बोलेगी सारा दुनिया मुक्त हो जाते हैं, पेड़ से मधु झरने लग जाता है, मयूर कहते तोते मुनि बन जाते हैं, गैया घास खाना भूल जाते हैं, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं और यमुना नदी उल्टे बहने लग जाती है, स्वर्ग में देवता लोग भी अपना विमान को खड़े करके वहीं पर देवियां भी मूर्छित हो जाती हैं और आकाश से रिमझिम रिमझिम बारिश ही होने लग जाती है। मैं इतने कहते मेरा बंसी ध्वनि में इतने सुली आवाज है लेकिन मैं जब राधा रानी की गला की आवाज सुनती ना मैं स्वयं पागल हो जाता, मतलब मेरे बंसी ध्वनि से भी राधा रानी की गला की आवाज इतने सुली, मेरे रूप को देख करके सारा दुनिया मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं नंद लाला तू यदि होत लाली गला कट जाती कर्ण में कर्ण,
मतलब मैं इतने सुंदर हूँ, लेकिन जब मैं राधा रानी की सुंदरता को मैं देखता हूँ ना, मैं स्वयं मुक्त हो जाता हूँ। मेरे शरीर कितने कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल मेरे शरीर है, लेकिन मैं जब राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ, राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ, मेरे शरीर को जो सुशीलता प्रदान करती है, ऐसे श्री राधा जी की प्रेम भी चमत्कारता है। इसलिए और मैं कितने सुंदर हूँ, मैं कितने सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता को लक्ष्मी जब श्रवण करती है, मेरी सुंदरता को वो वैकुंठ को त्याग दे करके कठोर तपस्या करती है। जब श्री विष्णु मेरे सुंदरता को सुनते हैं, वो भी वैकुंठ छोड़ देते हैं, चोरी करते हैं। मैं जब अपना रूप को कभी मणि स्तंभ के ऊपर में अपना परछाई देखता हूँ, मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। भैया इतने सुंदर कौन है, इतने सुंदर ये कौन है? इसलिए मेरी मन में इच्छा होती है कब मैं राधा रानी बन करके ये रूप कब मैं आलिंगन करूँ। मेरे मन में भी इच्छा होता है राधा जी के अंदर में ऐसे प्रेम की चमत्कारता, मेरे माधुर्य को सौंदर्य को पूर्ण रूप में श्री राधा रानी ही आस्वादन करती है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं जब तक मैं राधा नहीं बन जाऊंगा तब तक ये चीज को आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कलयुग में उन्होंने राधा रानी से दो चीज उन्होंने उधार लिया। एक चीज तो लिया कौन सा, पिता कलर। आप देखना भगवान की जितने अवतार सब काले हैं, सारे काले हैं, लेकिन केवल एक अवतार है श्री गोरे हैं। जानते हो वो कौन है? गोरे हैं श्री श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए इनका नाम गौरांग, मतलब जिनका शरीर का अंग गौरव वर्ण है। बोले क्यों? उन्होंने श्री राधा रानी की अंग कांतियों को उन्होंने उधार लिया, इसलिए उनका एक नाम है गौरव हरि। क्या नाम है? क्यों गौरव हरि नाम पड़ा? गौरव मतलब श्री राधा रानी, गौरी हरि मतलब कृष्ण, इसलिए राधा कृष्ण दोनों मिलकर के ये श्री महाप्रभु का रूप में आए, इसलिए इनका नाम श्री गौरव हरि नाम पड़ा। बोले श्री सचिनंदन गौरव हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और दूसरी चीज क्या लिया? बोले राधा रानी की जो भाव है, जिस भाव से वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करती है, ये दो चीज को लेकर के कलयुग में कृष्ण स्वयं से महाप्रभु का रूप है। इसलिए ये इनकी असली जो कारण है, ये इनकी असली कारण है। भैया वहां पर कौन है? एक व्यक्ति वहां खड़े हो जाओ, ये बच्चे लोग बात करते हैं, ये बच्चों को बोलो अभी जाओ प्रसाद का समय पे आ रहा है, ये बच्चों को बाहर निकाल दो, बोले जब प्रसाद का समय हो तभी आए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल की, सचिनंदन गौर हरि की जय। नवीन प्रभु कहाँ? नवीन प्रभु इधर, नवीन प्रभु जी आप इधर आ जाओ। हरे कृष्ण। हाँ देखो आज भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले, कृष्ण आज जन्म लेने वाले, इसलिए आज बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव को हम लोग मनाएंगे, ठीक है? इसलिए हाँ बोले एक समय भगवान जब आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम तो बढ़े, जब उन्होंने श्री दक्ष प्रजापति को उन्होंने सृष्टि ब्रह्मा जी, और दक्ष प्रजापति को आदेश दिया देखो ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ। अभी दक्ष प्रजापति ने उन्होंने एक साथ में पहले जो सृष्टि थी वो मानस सृष्टि, यदि ये मन से इसको सृष्टि करते थे मन से, अभी उन्होंने मन से 10,000 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। और पहले ये नियम होता था सबके सब, जैसे अभी स्कूल में जाते हैं 25 साल का कोई सीए कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर ही करते हैं, पहले ये नियम होता था सबके सबको 25 साल तक सबके सब गुरुकुल में जाना पड़ता था। अब देखना भगवान कृष्ण भी गए, भगवान राम भी गए, अब रामलीला कृष्ण लीला देखे होंगे, इसलिए भगवान भी गुरुकुल में गए। अभी गुरुकुल में कितना दिन तक गुरुकुल में रहते थे? बोले 25 साल तक गुरुकुल में रहते थे।
जब गुरुकुल का पढ़ाई समाप्त हो जाती थी, किसके बच्चे रो रहे हैं, बच्चे जो रो रहे हैं उनको बाहर ले जाओ, ये बच्चों को बाहर ले जाओ जो रो रहे हैं, अरे ले जाओ बाहर ले जाओ, जब प्रसाद का समय होगा फिर आ जाना, हरे कृष्ण। अभी गुरुकुल में 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, जब 25 साल समाप्त हो जाती थी फिर गुरुदेव प्रश्न करते थे, बोले बताओ बच्चों अभी क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अभी जिनको ये ज्ञान होता था, ये मानव शरीर भगवान बारंबार नहीं करते, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार केवल ये मानव शरीर प्रभु देते हैं। प्रभु ये मानव शरीर क्यों दिए, क्या घर गृहस्थी के लिए दिए, बोले नहीं, इसलिए भगवान राम कहते हैं, बोले साधन द्वारा साधन कार्य द्वारा साधन स्वयं समझा रहे थे अयोध्या वासियों को, ये मानव शरीर नहीं, ये कोहिनूर हीरे दिए था, ये कोहिनूर हीरे हमें प्रदान किया, क्योंकि इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति करके ये संसार से मुक्त होकर के प्रभु को पास में जा सकते हैं, जहां और किसी जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु का भजन नहीं होता है। अभी जिनको ये बात पता चल जाता है ना, वो गुरुकुल से वापस नहीं जाता था, बोले गुरुजी हम तो चाहते हैं ये जीवन को आपके चरण में रहते हुए प्रभु की भजन करते हुए ये भव संसार से पार हो जाए, इसलिए गुरुदेव हम घर गृहस्थी करना नहीं चाहते, बोले ठीक है गुरुकुल में रहो, प्रभु की भजन करते हुए मुक्ति की मार्ग को देख लो। लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार की वासना होता था, हम साथी किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं, फिर गुरु जी कहते थे देख बेटा अपना घर में जाओ, अपना घर में वापस जाओ, लेकिन लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, कैसे शादी करनी है, तुम्हारी परिवार वाले जहां पर तुम्हें शादी कराएंगे वहीं पर करना, अपना कुल मर्यादा को देख करके शादी करना है, शादी करके क्या करना, दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान की भक्ति करना, दोनों मिलकर क्या करोगे भगवान की भक्ति करना, दोनों मिलकर के भगवान की भजन करना, हरे कृष्णा। तो फिर आगे आ जाओ, थोड़ी देर आगे आ जाओ, हरे कृष्णा, थोड़ी देर आगे, और जो 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 आई एक थोड़ी इधर आ जाओ, थोड़ी सी इधर आ जाओ, थोड़ी देर आगे आ जाओ, जो बाद में आ रहे हैं उनको पीछे भेज दो, जो पीछे आ रहे हैं उनको पीछे भेज दो, पीछे जाओ, बच्चों को लेकर पीछे जाओ, जा पीछे, ये बच्चे कथा नहीं सुनेंगे, ये कथा सुनने नहीं देंगे, उसको पीछे लेकर जाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
तेरे से और कुछ होने वाला नहीं।
पर भजन भजन नहीं होगा। इसलिए भक्ति बचपन से भक्ति शुरू करनी चाहिए। ये जितने आश्रम है हमारे जो संस्कृति में, सबका एक उद्देश्य है ये जीवन पा करके भक्ति कैसे करे। इसलिए भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मैया सृष्टम पुनः कर्म विभाग सब। भगवान कहते मैं नहीं, ये चतुर्वर्ण को मैंने ही सृष्टि किया है, ठीक है ना। इसलिए जीवन पा करके फिर अगर भजन नहीं किया तो फिर कहते अनहत्तर सत्तर इकहत्तर हाथ भर तर सकते हो, तुम्हारे तरने का भी एक उपाय है। बोले कैसे, गोस्वामी जी कहते हैं बोले सठ सो धरे सत सत ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है अगर जीवन में साधु संग पर मिल गया। अगर सचमुच से संतों का संग मिला उनका भी कल्याण हो सकते है। इसलिए श्री हाँ देखो बड़ों के भक्त वृंद देखो ये मंदिर खुला है, ये भगवान के अपने दरबार पर भगवान के मंदिर खुला है। बल ये मंदिर क्यों खुले है, बल सबके सब भगवान के भजन करें भक्ति करें। इसलिए जो लोग अपना घर गृहस्थी काम से 50 साल के बाद में निवृत्ति हो गए हो, आप लोग कोशिश करो मंदिर में आकर के रहो, मंदिर में आकर के रहो और क्या करो मंदिर में ठाकुर जी को सेवा करो। ऐसे नहीं घर में जिंदगी भर फंसे रहे और बुढ़ापा उम्र में भी हम भी उसी घर के इसमें फंसे रहे। और ये संसार ऐसे एक स्थान है, जानते हो कैसे स्थान है, जितने निकलना चाहोगे ना उतना ही फंसते जाओगे। इसलिए जब श्री दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चों को उन्होंने भेजा, बोले जा करके क्या करो शिक्षा अध्ययन करो। अभी उनकी शिक्षा समाप्त हो गई, समाप्त हो गए तो अभी वो जाएंगे वापस जाएंगे, तब श्री नारद जी कुछ कूट प्रश्न करते हैं। आप देखो ये चीज को समझो, नारद जी कुछ कुछ कूट प्रश्न करते, कूट प्रश्न किया, बोले ऊपर सुनने के लिए एक लेकिन अलग भीतर का बात अलग है। देखो उन्होंने क्या प्रश्न करते हैं, बोले ये बताओ ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते हैं लेकिन वह चक्र अपने आप घूम रही है। बता सकते हो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कहीं कोई नहीं घुमा रहे हैं लेकिन वह चक्र अपने आप घूम रही है, बता सकते हो कौन सा चक्र है। यानी ये काल चक्र है, पता नहीं कब अपने जन्म हुए, फिर लिखाई पढ़ाई किया, फिर नौकरी चाकरी किया, साधु सुधार किया है, करते करते फिर बाल सफेद होने लग गया, आंखों में देखना कम शुरू हो गया, एक एक दांत टूटना शुरू हो गई, चमड़ी ढीली हो गई, फिर राम नाम। ये चक्र को कोई नहीं घुमा रही है, चक्र अपने आप घूम रही है। उनकी दूसरी प्रश्न है, माता जी अंदर में बताओ जहाँ वहीं पर बैठो, जो पीछे आता है ना माता जी उनको आगे कोई आने मत देना, बोले जो पीछे आ रहे हो उनको पीछे भेज देना। और इधर सुना देखो ये कथा को बाद में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, ध्यान देकर सुना। जब सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है फिर थोड़ी देर पहले आ जाओ ना, फिर कथा को लास्ट में कब सुन आते हो, जब कोई सिनेमा देखने के लिए जाते हो बताओ कब जाते हो, बीच में जाते हो ना लास्ट में ना पहले जाते हो, बताओ कब जाते हो, बताओ ये सिनेमा है क्या चीज। ये गंदी चीज जितने झूठ मूठ का चीज को एक रूपक दे दिया। जब तुम गंदी चीज के लिए उसको आधा घंटा पहले जाओगे लाइन में खड़े रहोगे, फिर पैसा दे करके टिकट दे करके पैसा दे करके बुद्धि को भ्रष्ट करोगे और गंदी चीज को देख देख करके नरक का रास्ता साफ करके आओगे, फिर भगवान की कथा में क्यों नहीं आता होता है। क्या करनी चाहिए कथा में, हनुमान जैसे श्रद्धा बनो। देखना कहीं भी राम की कथा होगी ना
सबसे पहले श्री हनुमान की तस्वीर मां लगी, सबसे पहले, क्योंकि हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वो ज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जितने जगह पर राम की कथा होती है हनुमान उतना रूप धारण करते हुए जाकर के कथा सुनते हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद होते हुए हाथ जोड़ते, इसलिए कथा में थोड़ी सी कब आओ, कथा में बीच में नहीं लास्ट में नहीं, कब आओगे, कब आओगे, पहले कथा में आना, ठीक है ना। और तो दो दिन चार दिन ही, इसलिए उनकी तो दूसरी प्रश्न है, बोले सभी का चक्र तो घूम रही है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूमती नहीं, वो स्टॉप है एक जगह में बंद है, बोले बताओ इसका चक्र घूम ले रही है, तो बताए बोले एक व्यक्ति का चक्र नहीं घूम रही है, वो स्टॉप है, बोले किसकी, बोले तस्सरिते जम प्रणमन्विता उत्तम श्लोक वाक्य, जितने समय हम भगवान के नाम जप करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी की कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं ना, कहते तुम्हारी काल चक्र एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो चक्र नहीं घूम रही है, मतलब काल सभी का परमायु वो नष्ट कर देती है, लेकिन केवल एक व्यक्ति का परमायु नष्ट नहीं कर सकता, जो व्यक्ति भगवान के भजन में हरि नाम में उनका कीर्तन में भक्ति में लगाते हैं केवल उसका ही चक्र एक जगह पर केवल खड़ा हुआ, नहीं तो सभी का चक्र ये घूम रहे, काल चक्र सभी की परमायु को नष्ट करते हैं। ये बच्चे किसके हैं, ये हो अपना गोद बैठे कर रखो, हरे कृष्ण। इसलिए उनकी दूसरी प्रश्न है, बोले बताओ ऐसे कौन सा बीज है जो बीज में एक बार अगर जीव घुस जाए जो बीज से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, ऐसे कौन सा बीज है जो बीज में एक बार अगर कोई घुस जाए ना, बच्चे को लेकर तुम पाने का, जब जो कोई बच्चे को लेकर आती है ना, अब पीछे बैठना आगे नहीं बनता, ठीक है, कहते ऐसे कौन सा बीज है जो बीज में एक बार घुसे ना वो बीज से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, अब बता सकते हो कौन सा बीज है, ये संसार है, ये माया के चक्कर है, ये घर गृहस्थी है। अब देखना सामने एक समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाए ना हमें चैन मिलेगा, अब देखना वो एक समस्या तो दूर नहीं हुई, सामने तीन समस्या है। फिर सोचते हैं बोले भैया अगर बेटा की पढ़ाई लिखाई हो जाए ना चैन मिलेगा, पढ़ाई लिखाई होगी, फिर सोचते हैं बेटे का नौकरी चाकरी मिल जाए फिर चैन मिलेगा, बेटे का नौकरी मिल गई मतलब बेटे के शादी हो जाए ना फिर तो सारे समस्या खत्म, बेटा का शादी हो गई अभी ऐसे नाती पोती और आए, पहले तो थोड़ी सी सत्संग में चली जाती थी कथा सुनने के लिए, अभी अगर जाओगे ना बहुत ताना मारेंगे, मेरे दोपहर की कोई काम धंधा नहीं, जब देखो तब घर से बाहर निकल जाती है, ये बच्चे को पकड़ेगी नहीं, फिर तो बहुत टेढ़े मुंह करके बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी तुम्हें, इसलिए ये संसार ऐसे है, ये संसार ऐसे एक बीज है जिसमें एक बार घुस जाना मरने का पहला तक भी अंतिम श्वास तक को छोड़ने वाले नहीं, जैसे मकोड़े होते हैं ना वो जाल बनाते बनाते लास्ट में उसमें ही प्राण त्याग दे देते, वो ऐसे एक बीज है, हैं? तब उन्होंने चौथा प्रश्न की, बोले ये बताओ हैं? यदि तुम ये बताओ पिताजी की आदेश किया हमारे प्रति, पिता ने तुम्हें क्या आदेश किया है, बोले पिता तो बोले जाओ लिखा पढ़ा सीख कर, बोले ये पिता नहीं मान जो परम पिता, जो भगवान ने तुम्हें क्या आदेश दिया है, यदि भगवान की एक ही आदेश है स्मर्तत्व सततम विष्णु भी स्मर्तत्व न जातु जिता, हर समय उसको याद करो और कभी उसको भूलो मत, हर समय उसको याद करो और कभी उनको भूलना नहीं, कोई उनकी आदेश है, कोई उनकी आदेश है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, जो कुछ कर घर का काम है भगवान की सेवा मान कर करो, अपना घर को भगवान के दरबार समझो, पैसा कमाओ ठाकुर जी के लिए,
खाना बनाओ तो ठाकुर जी के लिए है, इसलिए बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनो तो क्यों, ठाकुर जी की सेवा के लिए, हर चीज को भगवान की भजन में लगाने के लिए, ठीक है ना। देखो जितने हमारे भक्त लोग हैं, बड़ों तो के भक्त लोग यहाँ पर मंदिर बनवा रहे, इसलिए जो व्यक्ति संसार से बच्चे शादी हो गए हैं, अब जान बूझ करके संसार में ज्यादा काम बढ़ाने को पत्र आ गया, ये मंदिर में आओ, मंदिर में रहो, ठाकुर जी को सेवा करो, सत्संग सुना और पूरा बड़ों तक में हरि भक्ति के प्रचार करो। देखो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, हमारी गुरु जी सुनाया करते, ध्यान देकर सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी है। बोले एक समय एक व्यक्ति का तीन बेटे थे। पहले हर व्यक्ति गीता रामायण भागवत पढ़ते थे, इसलिए उनको पता रहता था ये जीवन दुर्लभ है, ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये जीवन मिली है और उसी जीवन में ही प्रभु को पास में जा सकते हैं, इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। पहले सब लोग ये बात जानते थे, क्यों, गीता रामायण पढ़ते थे, इसलिए ये ज्ञान सबको होता था। अभी उसने तीनों बच्चों को लेखा बड़ा सिखाया, साथ ही करवा दिया, अभी सारे ड्यूटी उसकी खत्म हो गई। एक दिन उसने तीनों बच्चों को बुलाया, बोले बच्चों इधर आओ, बोले पिताजी बताओ, बोले तुम लोगों के लिए संपूर्ण जीवन मैंने दिया, लिखा पढ़ा सिखाया, काम धाम नौकरी चाकरी सब कुछ मैंने तुम लोगों को करवा दिया। बोले पिताजी आपने सब कुछ हमारे लिए करवाया, बोले मेरी अंतिम इच्छा है अभी वृंदावन में जा करके मैं अंतिम जीवन को वहीं पर बिता रही, भगवान की भजन करे, सत्संग सुने। बोले पिताजी कोई बात नहीं, हम तीनों बच्चों समर्थ हैं, हर महीना में हम थोड़ी थोड़ी पैसा हम इकट्ठे करके आपके लिए भेजते थे, आप जाओ सत्संग सुनो भजन करो, अच्छी बात है। जब ये चले गए, आप ध्यान देकर सुना, ये गुरु जी सुनाया करते थे, अभी घर में तीन बहू हैं। जब वो पिताजी ने तीनों बच्चों की ये बात बताई, तीनों बहू तीनों बच्चों को बुला मिली तरह, बोले ये बूढ़ा क्या मंत्र पढ़ा रहा था, कान में ये बुरा क्या मंत्र दे रहा था। बोले पिताजी की अंतिम इच्छा है वृंदावन में जाकर के भजन करे, सत्संग सुने, भक्ति करे, घर में भक्ति करना कठिन है। बोले तुम तीनों बच्चों है ना, कल से ये बूढ़े को साथ में बिस्तरा बेड के बांधो और ये बूढ़े को साथ में तीनों वृंदावन में जाकर तुम वही भजन करो, तुमसे घर गृहस्थी नहीं होगी। बच्चों ने पूछा कैसे क्यों बता रहे हो, बोले थोड़ी सी अकल तो है, अरे ये बूढ़ा जब बच्चों को पकड़ता है, एक बिना पैसा का नौकर का काम होता है, जब ये दरवाजा में बैठता है बिना पैसा का गेट कीपर का काम होता है, फिर ये बूढ़ा अगर चले जाए तुमको दो नौकर रखना पड़ेगा कि नहीं, और इतना बढ़िया गेट कीपर इतने बढ़िया नौकर तुमको मिलेगा, फिर उल्टा पैसा देना पड़ेगा तुमको, इतना तो अकल नहीं। अब बूढ़े को बोल दिया जा वृंदावन भजन कर, इसलिए तुम तीनों भी ये बूढ़े को साथ में चले जाओ, हमारे गुरु जी कथा सुनाए कर। बोले देखो फिर वो बूढ़े बुलाए ना, हमें केवल इशारा करता ना, सारे काम हम कर देंगे। अभी पिता अभी देखा बच्चे तो कोई बात ही नहीं करते, एकदम चुप हो गए बच्चे। फिर पिताजी तीनों बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों थोड़ा इधर आओ। बोले क्या बात है, बोले तुम लोग बता रहे थे मेरे लिए वृंदावन में व्यवस्था कर दो, तुम कोई बात नहीं करते हो, इतने तीनों बहू जो थे ना वो तीनों बच्चों को ला करके पिताजी की गोद में रखी, और अभी तो कभी चरण नहीं छुए थे ससुर का, अभी बारंबार चरण छुने लगे। बोले पिताजी पिताजी ये अंतिम समय में थोड़ी हमारी कहाँ सेवा करोगे, और आप कहाँ वृंदावन में कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, थोड़ी सी सेवा सौभाग्य मिलता आप कहाँ चले जाओगे। तीनों बच्चों को गोद में रखकर बारंबार चरण धुले लगे। बूढ़ा तो बड़ा कोमल था, बोले भैया मेरे को तो अभी तक तो पता नहीं था तुम्हारी अंदर में मेरी प्रति इतनी भक्ति है, बोले तू ही साक्षात गृह लक्ष्मी हो, एक बच्चे ही हमारे बाल गोपाल है, हैं? बोले कोई जरूरत नहीं, मैं घर में ही भजन कर दूंगा। बोले बेटा एक काम करियो, एक गीता पुस्तक ला करके मेरे लिए ला दो, घर में बैठ कर गीता पढ़ूंगा। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, कल ही ला देंगे। लेकिन एक महीना हो गया कोई गीता पुस्तक नहीं ला। अभी पिताजी ने कहा बच्चों बता रहे थे मेरे उम्र बीतती जा रही है, आप बता रहे थे किताब पुस्तक ला दोगे, अब तो कोई गीता ही ना नहीं ला रहे हो। बड़े कष्ट से उन्होंने एक किताब पुस्तक ला रही थी। जब पिताजी किताब पुस्तक लेकर के घर में पढ़ने बैठे,
तीनों बहू ही आ गई। बोले घर में क्यों पढ़ रहे हो, जाओ ना वो आते रहने भाई गोबू गेहूँ और वहां पर दाल सुखाने के लिए लठिया ले लो, ये लठिया लेकर वहीं पर बैठो और कौए चिड़िया और बकरी को भगाते रहो, वहीं पर गीता पढ़ो। अभी वहां पर गए बैठने के लिए, वो गीता को खोले, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र के पहला श्लोक जो पढ़ रहे थे, तो चिड़िया आकर खाने लग गया, फिर उसको भागने के लिए गए, फिर बकरी आ गया, फिर तीनों बहुओं ने तीनों बच्चों को लाकर पिताजी को गोद में ले लिया। बोले पिताजी ये बच्चों को भी देखो और गेहूं और चावलों को भी देखो और आप गीता भी पढ़ो। पिताजी जब पुस्तक खोलने के लिए भजन के लिए बैठे, फिर बच्चे रोना शुरू कर दे, अब ये बच्चे को थपथपा, फिर वो बच्चा रोना शुरू कर दे, उसको भी थपथपा, बस गीता पढ़ना हो गया। ये हमारे बड़े गुरु जी कथा सुनाया करते थे, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये बात को। इसलिए भगवान की भक्ति करना, इसलिए पहले नियम यही था, सबके सब लोग 50 साल के बाद भी, इसलिए आता है एका वन, ये वन शब्द आता है, बा वन, वन शब्द आता है, चौ वन, पच वन, ये वन वन शब्द आता है। घर में रहोगे भक्ति करना इतने आसानी नहीं, आसानी नहीं। इसलिए हाँ, अगर घर नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे स्थिति नहीं, अरे कम से कम घर में तो भजन करो ना, घर में बैठ कर दिन भर पिक्चर देखते रहोगे टीवी बोल करके, ना दिन भर गप्पे मारते रहोगे। भगवान ये मानव शरीर नहीं, ये अनमोल हीरे की, हमें अनमोल हीरे दिए हैं भगवान, हाँ कोई दिन हीरे दिए हैं। अगर ये मानव शरीर एक बार नष्ट हो गया, भगवान बारम्बार ये शरीर नहीं देंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जिनके अभी इतना घर गृहस्थी का इतना ये नहीं, आप मंदिर में आ जाओ, मंदिर में आकर के ठाकुर को कम से कम सेवा करो। देखो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी किसी सेवा को दुनिया लाने के लिए, किसी सेवा को ला करके रखने के लिए, लेकिन बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं अगर हम गौरव करके भक्त लोग यहाँ आ जाओ, हरि कथा बोलो, घर घर में जाओ, हरि कीर्तन को प्रचार करो, भगवान की सेवा करो, हैं भगवान की सेवा करो। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जो आ करके मंदिर में रह करके भजन कर सकते हो, मंदिर में आओ और आप लोग भगवान की भजन कर सकते हो। इसलिए जो आना चाहते कल घर से मिलना थोड़ी सी, फिर आपको हम चाहते हैं हम जाने से पहले मंदिर की ऐसे अच्छे तरह से व्यवस्था करके जाए, कम से कम ठाकुर जी की सेवा पूजा हो, ठाकुर जी के लिए रसोई बने, ठाकुर जी के लिए सुंदर माला बने, और ऐसे मंदिर हो जैसे पूरा बड़ौदा में ये मंदिर की जैसे नाम हो, गुरु जी के नाम हो, प्रभुपाद का नाम हो, और दुनिया में आप लोगों की बड़ी प्रशंसा हो। देखो आज तो कृष्ण जन्म उत्सव है, जन्म उत्सव कौन सा रंग की साड़ी पहन के, लीली रंग, कल राधा रानी जन्म लेने वाली है, कल सबके सब कौन सा रंग की साड़ी पहन रहे, आप सब भी याद हो गया है, गुलाबी रंग की साड़ी पहन करेगा, ठीक है ना, कल से राधा रानी जन्म उत्सव है, बोले श्रीमती राधा रानी की। आज हमारे पितृ कहा है, अपने बच्चे को कृष्ण बना कर फोन कर दो, हाँ समय में आ जाए, ठीक है बच्चों। आज हमारे श्री मित्तल प्रभु, इनकी पोता हुई है प्रभु, इनकी पोता हुई है, इसी उद्देश्य में उपलब्ध करते हुए प्रभु जी आज सभी के लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की है, इसलिए प्रसाद व्यवस्था किया है, इसलिए इनके लिए आप सबके सब जोरदार ताली बजाओ। और ये इनका जो चार पांच भाई, कितना भाई है, पांच भाई ना, ये पांच, ये पंच पांडव है, ये पंच पांडव है, और इनका पूरा के पूरा परिवार सब भगवान की भक्ति करते हैं, इनकी पत्नी, इनके बहू, इनके बेटे हैं, और इनके जो भाई लोग भी सबके सब, जब जब हम आते हैं घर में बुलाते हैं और इतने प्रसाद बनाते हैं ना, हम तो देख देख कर कभी कभी देख देख करके पेट भर जाता है, इतने तरह तरह का प्रसाद बना करके हर बार नया नया प्रसाद बनाते हैं और भक्तों के
इसलिए ठाकुर जी के परिवार को सुख शांति दे और खूब फलते फूलते रहे और घर में शांति सुख हो और उनके सब परिवार सबके सब खुश रहे। और इनका जो बेटी में जो बेटे की जो बेटियाँ हैं ना, छोटी छोटी बेटियाँ हैं, वो सब हमारे आरती याद है। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलर और राधा कृष्ण प्राण पर जुगल किशोर। ठाकुर जी की आरती इनकी छोटे छोटे बच्चों को पूरा उन्होंने भगवान की सारे आरती कीर्तन इन्होंने पूरा बच्चों को रटा दिया है। और छोटे छोटे बच्चे भी इनके गले में ये तुलसी की कंठी पहनते हैं। इसलिए आप लोग भी अपना घर का परिवेश ऐसे बनाओ, जैसे घर में रहते हुए अगर वृंदावन नहीं जा पाते हो, घर का परिवेश ऐसे हो, घर में रहते हुए ऐसे लगे हमसे वृंदावन धाम में निवास कर रहे हैं। प्लस वृंदावन बिहारी जय के खेल खिलौनों से ये विरक्ति को प्राप्त होगा और कब
मुझसे जो सनातन प्रीति है उसे जोड़ेगा। तो कल हम बता रहे थे कि ये प्रीति कैसे जुड़ेगी, ये संबंध स्थापित होने से जुड़ेगी। गुरु संबंध स्थापित करता है, बीज मंत्र प्रदान करता है, हृदय रूपी खेती के अंदर उसको रोपण करता है और हमें शिक्षा प्रदान करते हैं गुरुदेव कि देखो मैंने बीज तो बो दिया, अब इसको जो है लालन पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसको जल देना है, इसको धूप दिखानी है, वो हमें उसके लिए यत्न पूर्वक करना चाहिए। जो गंभीरता से इस बात को समझता है वह करता भी है, आगे बढ़ता भी है और धीरे 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 जिस प्रकार से एक माली जैसे बीज बोता है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा जल देता है, फिर गुड़ाई करता है, आसपास में जो घास उग जाती है उसको हटाता रहता है, ठीक इसी प्रकार से संबंध स्थापित होने के बाद ये क्रिया शुरू होती है, इसे बोलते हैं अभिधेय। अभिधेय में जो भक्ति रूपी जो बीज बोया, भक्ति लता का जो बीज है वो गुरुदेव ने जो बोया है उसकी हमें देखरेख करनी है। किस प्रकार से? हरि कथा श्रवण के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, ये धूप और जल और गुड़ाई इत्यादि है इसके माध्यम से वह जो बीज है अभी इतना अच्छी तरह से मजबूती से जो जकड़ा हुआ नहीं था भूमि से, हृदय रूपी भूमि से जो अभी ढंग से जमा नहीं था, ये कीर्तन कथा और हरि गुरु वैष्णव की सेवा से ये अंकुरित होता है। जब ये अंकुरित हो जाता है तब इसको बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटा है। अंकुर का बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि अभी अंकुर हुआ है, दो भक्ति लगा कि दो छोटी छोटी पंक्तियां अभी दिखने लगी हैं, अभी श्रद्धा रूपी जो कोमल कोमल हमारी भक्ति लता बीज की जो हमारी बेल की जो पत्तियां नजर आने लगी है उसको कहीं बकरी उसको खा ना जाए। बकरी मतलब ये संसार की जितने भी विषय है अगर उस भक्ति को खा गए तो ये वहीं पर नष्ट हो जाएगी, उस समय इसकी रक्षा करनी होती है। बकरी का एक स्वभाव है, बकरी जहां जा जिस पौधे ऊपर मुंह मार देती है उसके अंदर एक इस प्रकार का एक रसायन होता है, जिस पौधे को उसने खा लिया वो फिर अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही संसार के विषय है, अगर भक्ति रूपी जो अंकुर है उसको हमने इन विषय रूपी बकरियों को दे दिया, अर्थात इतनी अमूल्य वस्तु को हम इसकी गंभीरता को ना जान करके साधारण संसारी विषय लोगों के साथ संग करके उसको हमने नष्ट कर दिया, तो ये फिर वापस अंकुरित होने वाली नहीं है। हमने देखा है बहुत लोगों को जो भक्ति में आए बहुत जल्दी और विषय लोगों का संग किया और भक्ति से च्युत हो गए, पतन हो गया उनका, तो इसीलिए इसको यत्न पूर्वक बड़ी कोमलता से के साथ और बड़े ही ध्यान पूर्वक इस पर विशेष ध्यान देना है कि हमारी भक्ति का पोषण हो रहा है या शोषण हो रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हमें सारे सिद्धांतों को अंगीकार करना चाहिए। भगवान बड़े ही हृदय से बोल रहे हैं, हम लोग तो भगवान की क्या सेवा करते हैं, हम तो सिर्फ आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, वास्तविक सेवा तो भगवान ही करते हैं, समस्त प्रकार की व्यवस्था भगवान करते हैं। हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, कभी बहुत बड़े आदमी बनकर बहुत बड़ा अहंकार अपने हृदय में भर करके हम भोग करना चाहते हैं, कभी किसी कुल में जाते हैं, कभी बड़े कुल में जाते हैं, कभी छोटे कुल में जाते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार ऐसा भी हो जाता है, कई बार इतना ज्यादा पतन हो जाता है कि मनुष्य योनि भी हमें सुलभ नहीं होगी और हमारा पतन होते होते हम कहाँ पहुंचते हैं, पशुओं की योनियों में, जंगली जानवरों की योनियों में, पेड़ पौधे की योनियों तक हम
चल जाता है। इन योनियों को हम सब इन सफर से होते हुए फिर वापस भगवान की कृपा से, हमारे कर्मों में इतना दम नहीं है, हमारे अंदर भी शक्ति नहीं है कि हम दोबारा मनुष्य जन्म भी ग्रहण कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की अहेतु की कृपा के कारण ही मनुष्य जन्म मिलता है। भगवान कृपा करते हैं, कितने जन्मों से ये जीव कितना कष्ट भोग कर रहा है, इसको एक मौका और दे देता हूं। कई बार भगवान और व्यवस्था अच्छी करते हैं कि अनजाने अनजाने में हम कुछ पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म जिस प्रकार से आप कोई कुआ खुदवा दें, बावड़ी खुदवा दें, धर्मशाला लगवा दें, अस्पताल लगवा दें, ये सब हो गए पुण्य कर्म। लेकिन सुकृति पुण्य कर्म से भी ऊपर है। सुकृति मतलब सुंदर कर्म। सुंदर कर्म क्या होता है? जाने अनजाने में वैष्णव की सेवा हो जाना, इसे कहते हैं सुकृति। जिस प्रकार से बड़ौद में महाराज श्री आए, कोई जानता नहीं है, थोड़ी सी सेवा किसी ने कर दी, तो उसको भगवान बड़े ही प्रेम से उसको भक्ति और उसकी बढ़ा देते हैं। तो ये जो गुरुदेव की व्यवस्था है, ये भी हमारे बस की बात है, ये भी भगवान व्यवस्था करते हैं कि ऐसे सदगुरु जो है हमें देते हैं। एक बात और, जिस प्रकार का हमारा हृदय होता है, निष्कपट अगर हम होंगे, हमारी श्रद्धा सच में ही भक्ति के लिए होगी, तो निश्चय ही सदगुरु आपको मिलेंगे। और यदि हमें कपटता हमारे हृदय में है कि हमें अभी अहंकार के वशीभूत होकर के आडंबर दिखाना है, तो कपट रूपी गुरु आपको मिलेंगे। ये भी व्यवस्था भगवान ने हर प्रकार की व्यवस्था की, जिसको जो चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं। तो भगवान कितने कृपालु है, इस बात को हम महाभारत में देख सकते हैं। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और पांडव उनको और भी ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भीष्म पितामह भी भक्त हैं और पांडव भी भक्त हैं, लेकिन पांडव का पक्ष ले रहे श्री कृष्ण और भीष्म का पक्ष नहीं ले रहे। कारण क्या? कारण इसमें दो, एक तो भीष्म पितामह अधर्म का युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जन्म से ही पांडवों को इतने कष्ट दिए गए हैं, अंधा धृतराष्ट्र सब कुछ जानते देखते भी अपने पुत्र का जो है उसने हमेशा साथ दिया, और भीष्म पितामह ने कई जगह विरोध किया, कई जगह मौन धारण कर लिया, तो अधर्म का साथ देना भी एक बहुत बड़ी गलती है। परंतु ये तो हो गया एक गौण कारण, मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण को यहां आने का एक मुख्य कारण होता है वीर रस का आस्वादन करना। वीर रस का आस्वादन हर कोई नहीं करा सकता, जैसे भीष्म पितामह ने वीर रस का आस्वादन कराया भगवान श्री कृष्ण को, और भी जो उनके निज पार्षद है यहाँ पर विपक्ष में आकर के उनसे युद्ध करते हैं, जैसे रावण कुंभकर्ण इत्यादि, ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये भगवान के निज पार्षद है, ये द्वारपाल है जय और विजय। क्योंकि यहाँ के हम जैसे लोग भगवान का दर्शन ही सुलभ नहीं है, तो उनकी लीलाओं में कहां से प्रवेश कर जाएंगे? उनकी लीलाओं के अंदर अगर युद्ध भी कर रहा है, तो भगवान के निज पार्षद और भक्त ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि भगवान श्री कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जब भीष्म पितामह को ये पता चला युद्ध होने वाला है, और दुर्योधन को ये चिंता थी कि भीष्म पितामह ने सदैव पांडवों का साथ दिया, और पता नहीं ये युद्ध लड़ेंगे हमारी तरफ से या नहीं लड़ेंगे। वैसे भी वृद्धावस्था है, कहीं ऐसा ना हो सन्यास ही ले ले, कुछ भरोसा नहीं। दुर्योधन ने प्रार्थना की, भीष्म पितामह ने बहुत भीष्म प्रतिज्ञा की हुई थी। क्या प्रतिज्ञा की थी आप सब जानते ही हैं कि एक तो मैं हस्तिनापुर का हमेशा संरक्षक बनकर रहूंगा, चाहे कोई भी राजा बन के रहे, लेकिन हस्तिनापुर को आंच नहीं आने दूंगा। और दूसरी, अपने पिताजी शांतनु के लिए
उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा दी थी कि आजीवन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कारण क्या था? जो शांतनु जी एक बार आखेट खेलने गए हुए थे, वहां पर एक सुंदर युवती उन्हें मिली जिसका नाम था सत्यवती, और सत्यवती वहां पर जो मछुआरे होते हैं तो उनके जो वहां का मुखिया था उनकी पुत्री थी, और सत्यवती भी एक मछली के पेट से उनको प्राप्त हुई थी किसी गंधर्व के औरत से। तो उसके अंदर से एक बहुत ही ऐसी दुर्गंध, तो नहीं कह सकते थे, सुगंध थी जो आकर्षित करती थी। हल्की हल्की मत्स्य, हल्की हल्की वहां की भीनी भीनी खुशबू से आकर्षित करती थी। वहां शांतनु जी जब पहुंचे तो आकर्षित हो गए और उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि राजा होने के कारण पूरी पुत्री के राजा थे, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो एक शर्त रहेगी। वह शर्त ये कि आपका बेटा तो भीष्म है, और अभी उसका नाम भीष्म नहीं था, उनका नाम पहले था देवदत्त। देवदत्त तो देवदत्त को आप राजा बनाएंगे, और मैं अगर अपनी पुत्री देता हूं तो उससे क्या लाभ? या तो आप संकल्प लें कि जो भी पुत्र आपका इससे होगा उसे आप राजा बनाएंगे, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह से करा दूंगा। तो ये दुविधा जब शांतनु महाराज को ही, उन्होंने ना हाँ करी और ना ना करी और वापस अपने महल में आ गया। कई दिनों तक महल से निकले नहीं। यहाँ भीष्म पितामह को पता लगा गुप्तचरों से कि पिताजी वहां गए थे और ऐसी सी बात हुई, तो पिताजी की सुख के लिए उन्होंने तभी रथ तैयार किया और उस भगत से नरेश के पास पहुंचे और उससे निवेदन किया कि मेरे पिताजी को आपकी पुत्री से प्रेम हो चुका है और मैं चाहता हूं उनका विवाह हो जाए। तब बोला, यदि तुम अपने पिताजी का विवाह चाहते हो तो ये तुम्हें संकल्प लेना होगा कि तुम राजा नहीं बनोगे। तो उन्होंने बोला, मैं बिल्कुल राजा नहीं बनूंगा। मतलब तुम तो कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी जब विवाह होगा, जब बच्चे होंगे, तो वो जो है आड़े आएंगे और बड़े परेशान करेंगे, तब कैसे मेरा देवता राजा बनेगा? तब देवदत्त ने हाथ पर उठा करके भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, मैं कोई शादीवादी नहीं करूंगा। बोलो भीष्म पितामह की। शुरू से ही बड़े ही वीर, बड़े ही धैर्यशाली, हर प्रकार की शक्तिशाली और साथ में भक्त भी थे। शुरू से ही चिंतन करते थे, ध्यान में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते थे। अब यहां इन्होंने जो भीष्म प्रतिज्ञा की उसके कारण ये विवाह हो सका सत्यवती का और महाराज शांतनु का, और आगे की महाभारत आपने सब देखी है उसको, किस प्रकार से उनके बच्चे हुए, बच्चों का विवाह करवाया लेकिन बच्चे जीवित ना रख सके, इस तरीके से फिर जो है पांडवों का प्रकट हुआ श्री व्यासदेव जी के माध्यम से, और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। खैर ये सब आप जानते हैं। मैं जो बात बताना चाह रहा था वह यह है कि रथ में जब रण की बात आई, रण क्षेत्र की बात आई, तो दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तो दुर्योधन जो है जैसे ही पहुंचे तो अर्जुन जो है पहले ही पहुंच चुके थे और उनके चरण दबा रहे थे। अर्जुन के चरणों के पास बैठकर धीरे धीरे, जिससे नींद ना उठे, और वो चरण दबा रहे थे। दुर्योधन उनके सिर के पास खड़े हो गए जाकर के। भगवान श्री कृष्ण की जैसी आंखें खुली तो अर्जुन की ओर उनके नजर गई। बोला, अर्जुन तुम कब आए? तभी दुर्योधन बोला, मैं इनसे पहले आया हुआ हूँ। तो दुर्योधन ने जब ये कहा मैं पहले आया हुआ हूँ, बोला ठीक है, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, लेकिन चलो तुम कहते हो तुम पहले आए हो तो तुम बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, हमारी अभी युद्ध होने वाला है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ तो मैं हूं और एक तरफ मेरी कई अक्षोणिया सेना है,
जो महान सेना है जिसको कोई हरा नहीं सकता, तो बताओ क्या चाहते हो। और एक बात और बोलता हूं कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा अच्छा शस्त्र अस्त्र उठाएंगे नहीं, इनको लेके करेंगे, इनकी सेना को लेकर। तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे आप सेना दे दीजिए। बोला अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, अब तो मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, ना मेरे पास शस्त्र उठाऊंगा और ना मेरे पास सेना है, तुम्हें तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं रहा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो केवल और केवल आप ही चाहिए, जहां आप होंगे वहां विजय निश्चित, मुझे आपके शस्त्र अस्त्र और सेना की आवश्यकता नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र को राम की पांडवों की। तो जब युद्ध हुआ तो देखो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान सारथी बने, सारथी मतलब कि उनके एक तरह से सेवक बन गए, अपने भक्त के सेवक। और घोड़ों को पानी पिलाना, दाना देना, युद्ध में जब घोड़े थक जाते उनके पैर दबाना, और यहाँ तक कि अर्जुन जब युद्ध करते थे तो भगवान श्री कृष्ण को मुंह से बोलने के लिए, दिशा सजाने के लिए मुंह से नहीं बोल पाते थे, अपने घोड़े मारते थे, लात मारते थे। अगर इस तरफ चलना है तो दाया पैर मार दिया, इस तरफ चलना तो बाया पैर मार दिया। उन इशारों से भगवान श्री कृष्ण ने रथ को हांका। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, इतने प्यारे भगवान हम लोगों के लिए हमेशा इंतजार करते रहते हैं कब ये जीव भजन की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये साधन है श्रवण करना, कथा श्रवण करना, कीर्तन करना इत्यादि, उससे क्या होगा भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो प्रियजन है, प्रियजन होता उद्देश्य, उद्देश्य हमारा क्या है कृष्ण से, वह हमें प्राप्त होगा। आज कृष्ण जी का होना है, कथा भी होनी है, अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। चौदह सौ रूपये जय जय श्री नंद बाबा के जो पिताजी थे उनका नाम था सुपरचंद बाबा, कहते उनको थे पांच बेटे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद। अभी श्री परचंद बाबा का उम्र जब 50 साल हो गया, एक दिन उन्होंने पांच बच्चों को बुलाए, बोले देखो बच्चों हमारी उम्र 50 साल हो गया और हमें घर में नहीं जानी चाहिए, बताया था ना एकावन बावन तेवन, बोले अभी हम दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ लेना चाहते हैं। बोले पिताजी अच्छी बात है, वानप्रस्थ लेकर के आप वृंदावन में भजन करो। बोले मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा बेटे को हम राजगद्दी पर बैठाएं, लेकिन ये बड़ा बेटा अपनी आप बोल पड़ा। बोले मैं जितने भी बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का जो मेरे में नहीं, ये नंद बेटा, अब ये नंद बाबा को ही आप सिंहासन में बैठाओ। इनका नाम नंद क्यों, कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, नंद मतलब होता है जो सबको आनंद प्रदान करे। तो उन्होंने कैसे सबको आनंद प्रदान की, जो पूर्ण ब्रह्म परात पर तत्व, जो आनंद कंद, जो रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने जन्म दिया। हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हुए आनंद आनंदित मिल रहा है, इसलिए उनका नाम नंद मतलब सबको जो आनंद दे। ये बात सुन करके सबके सब बड़े प्रसन्न हुए, बोले बात सही बता रहे, बोले राजा कौन बन सकता है, बोले राजा वही बन सकता है जो प्रजा को अपना बच्चे जैसे दे, वही राजा बनने का योग्य। बोले केवल ये नंद को अंदर में योग्य है, सारे प्रजा को जो अपना वत्सल है अपना बेटे जैसे देखते हैं। अभी नंद बाबा को सिंहासन पर बैठा दिया, बैठा करके अभी परचंद बाबा अपना पत्नी को साथ में पान प्रस्थ जा रहे भजन करने के लिए। बच्चों ने कहा पिताजी आपसे कुछ प्रश्न है, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले बताओ क्या प्रश्न है। बोले पहला प्रश्न है हम संसार में सबके सब डरे हुए हैं। बोले क्यों डरे हुए हैं, डरे हुए कि नहीं, पैसा नहीं चले जाए, बेटा नहीं चल जाए, काम बंद नहीं हो जाए, बिजनेस ठप, हम सबके सब डरे हुए हैं। बोले क्यों डरे हैं, बोले कारण है हमारी प्रारब्ध पूर्व जन्म का कर्म का फल के लिए हम डरे हैं। बोले पिताजी
भगवान हमें जो ये मानव शरीर दिया है ये जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर हमें कोई पूछे ना भैया जीवन में लक्ष्य क्या है, लखो पैसा कमाओ, दुकान मकान को बढ़िया से बनाओ और ये संसार को अच्छे तरह से पालो और भर जाओ, हम यही बोलेंगे। लेकिन वो कहते हैं जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। अगर प्रभु की चरण में हमारी प्रेम हो गई, समझो ये जीवन हमारी धन्य हो गई है। बोले पिताजी हमें जीवन में रक्षा कौन करेगा? बोले बेटा जीवन में हमें संत लोग ही रक्षा करते हैं, हैं? वही लोग हमें भगवत उपदेश दे करके प्रभु की भक्ति की मार्ग दिखा करके हमें आगे कौन बढ़ाते हैं? बोले संत ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बोले श्री वृंदावन की हरी लाल की जय। सब मेरे तरफ में हो, पीछे में मत देखो, हरे कृष्ण। अभी वो चले गए पति पत्नी दोनों बाण प्रस्थ में। अभी चार भैया को तो बच्चे हैं लेकिन केवल नंद बाबा के घर में कोई लाला नहीं। अभी भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा? इसलिए उन्होंने बड़ी दान पुण्य तीर्थाटन बहुत कुछ किया लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने श्री आशीष ईश्वर महादेव नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हो? आशीष्वर महादेव को देखे तो देखे नहीं, वहां पर आशीष्वर महादेव की पूजा की परिजन बाबा ने। बोले मेरा बेटा का नंद का की बेटा हो, इतने में आकाशवाणी हुई। बोले श्री नंद परिजन बाबा आप चिंता मत करो, आपको ऐसे एक नाती होने वाला है, पोता होने वाले जो सारा दुनिया को उजागर करने वाले, सारा दुनिया में तेरे नाम को जस को मिलाएगा, इसलिए कोई चिंता मत करो, इसलिए एकादशी व्रत रखा करो। इसलिए एक एकादशी का नाम है पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जो एकादशी व्रत करने पर घर में पुत्र का जन्म होता है, इसलिए उन्होंने श्री एकादशी व्रत रखे। और एक रात को उन्होंने बड़े सुंदर स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांग स्थले। उन्होंने बड़े सुंदर स्वप्न देखा और गोकुल में कुछ संत लोग आए और संत लोगों ने उनको समझाया। बोले नंद बाबा तुम्हारी संतान नहीं इसलिए दुखी है ना? बोले हाँ। बोले देखो संतों की ऐसे आशीर्वाद है, कहते जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, जो ना करे लकीरी कहते सो करे फकीरी। फकीरी मतलब साधु, लकीरी मतलब होता है भाग्य। बोले तुम्हारी भाग्य में जो नहीं है, अगर कोई सुख साधु की अगर कृपा हो जाए ना, भगवान भी कभी कभी अपना प्रतिज्ञा को उन्हें तोड़ देते हैं। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया आपको अस्त्र धारण कराऊंगा, कृष्ण ने बताया आपको अस्त्र धारण कराऊंगा, भीष्म ने बताया कि आपको कराऊंगा, कृष्ण ने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके भीष्म की प्रतिज्ञा को रक्षा करते हैं। जब उन्हें साधु सेवा की महिमा बताई, बोले भैया गंगा जब बहते बहते घर के सामने आ गई पर इसमें गोता क्यों नहीं लगा ले? बोले बाप संतों कुछ दिन गोकुल में भी टिक जाओ, यहाँ पर खाने पीने का कोई कमी नहीं, चकाचक भोजन मिलेगा और यहीं पर रहकर भजन करो। अभी नंद बाबा रोज रोटी पानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन इस संतों को पता चला नंद बाबा की मन में इच्छा है घर में एक लाला की जन्म हो जाए। कितने दिन से घर का भोजन कर रहे हैं लेकिन अभी भी इनके घर में लाला नहीं भय हो। अभी इनकी मन में जब संत लोग इतनी चर्चा कर रहे थे, किसी ब्रजवासी ने ये बात को सुनकर के नंद बाबा को बोले, बोले नंद बाबा हम तो संतों को दर्शन करने के लिए गए थे और देखा संत लोग चर्चा कर रहे थे नंद के लाला कब है। बोले तुमने सुनी अपना कानों से? बोले अभी भी सुनकर कह रहे। बोले भैया जब संत लोग कह रहे हैं मेरे घर में लाला कब है वो बना, ठाकुर जी कभी संतों का वाणी का झूठा नहीं रखते, उनका वाणी पूरा हो जाती है, हमारे घर में तो जरूर लाला होएगा ही। बोले भैया रोज रोज संतों को माफ हुआ है, सब्जी बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन करवाओ संतों को। सचमुच से मैया जसोदा की उम्र निकल गई थी बच्चा होने का, लेकिन एक रात को ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखे। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न है ना कभी कभी सही होता है,
बोले स्वप्न क्या था? बोले श्री नंद बाबा ने स्वप्न देखा, मैया जसोदा की गोद में एक श्याम रंग का बालक दौड़ रहा है और मैया का स्तन पान करते समय दोनों धारों से दूध बहते हुए कुर्ता भीग रहा था। इतने में नंद बाबा की नींद खुल गई। बोले जसोदे जसोदे, मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। बोले मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा है, पहले आप स्वप्न बता फिर मैं बताऊंगी। बोले मैंने ये स्वप्न देखा। जसोदा बोली मेरी स्वप्न सुन लो, मैंने भी स्वप्न देखा, मेरे पीछे सुंदर एक बालक माँ माँ करते करते आ रहा है और कपड़ा खींचते हुए मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला ले, मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई बालक है। उसी रात को तो मैया जसोदा गर्भधारण करती है। पूरा व्रत में हला हो गया है, क्या हो गया? बोले श्री नंद के लाला होने वाले हैं। बोले श्री नंद के लाला की जय। हरे कृष्णा। तो बच्चों को ना पीछे से लेकर गाना, मैं जो बुला हुआ, मैं जो बुला हुआ तब लेकर गाना, ठीक है? और उसकी भैया कहाँ गई? बच्चे का भैया कहाँ गई? ए उधर चले जाते। और सर पर कपड़ा रखना, सर बोलना नहीं, कोई बढ़िया कोई चुंदरी से सब धरती रखना। हरे कृष्णा। अभी पूरा ब्रज में जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो छह छह महीना पहले चौरासी अरे उधर क्या देख रहे, उन्हें चौरासी चौरासी ब्रज के लहंगा पहन के बना करके रखे। और जितने ब्रजवासी थे सबके सब धोती बगलबंदी और पगड़ी बना करके रखे। बोले नंद के लाला हो ही रहा तो हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। अभी ब्रज में भगवान कृष्ण जन्म होने वाले हैं। और नंद बाबा की जो बहनी थी सुनंदानी, वो तो छह महीना पहले आकर बैठी हुई। बोले क्यों? बोले भैया के घर में लाला है वो ना, मेरे को नवलाल की हार मिलेगी। और वही आकर छह महीना पहले से बैठी हुई, हाँ कब लाला होगा, मेरे को दान तकिया मिलेगी। इतने में अभी है? अभी क्या हुआ? कहते श्री बुधवार भादो की महीना, रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का रात में भगवान जन्म होते हैं। अभी भगवान स्वयं आने वाले हैं। साधारण कोई मंत्री आए ना, अगर मोदी आ जाए देखना कितना स्वागत हो रही है, लेकिन आज कौन आ रहे हैं? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक जो पालनहार को आ रहे हैं, उनके लिए कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए। कहते जितने ऋतु एक साथ में प्रकट हो गए, छह ऋतु सारे वृक्ष में फल फूल से भर गया, वृंदावन धाम की आनंद की सीमा नहीं। बोले क्यों? बोले हर अवतार में प्रभु मेरे ऊपर में कृपा किए। बामन अवतार में मेरे को ना भूलिया, रामा अवतार में मेरे को सासु बनाई और कृष्णा अवतार में स्वयं पृथ्वी सत्य होना बनकर के आएंगे। नंगे प्यार में प्रभु गैया चरवाए के पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी और यमुना नदी यमुना दृश्य कलकलनाद करते करते भगवान की जय जयकार करते हुए आ रही है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना नदी क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले भगवान मेरे को अपना पटरानी बनवाएंगे ठाकुर जी, मेरे में जल विहार करेंगे। और जो दूसरे नदियां भी खुश हो रही थी। बोले क्यों? सबसे बड़ी नदी ये यमुना और जितने नदी उनकी छोटी बहनी, जब यमुना को साथ में कृष्ण की शादी होगी पर ये सबके सब साली बन जाएंगे। आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से भी साली को भी ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए हम भगवान की जब साली बनेंगे हमें भी ठाकुर जी प्रेम करेंगे। कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन आज कमल फूल के लिए रात में। बोले क्यों? बोले संत लोग जब भगवान को उपमा देंगे, बोले नमो पंकज नारायण, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, सत्य से बोलेंगे भगवान हस्त कमल चरण कमल मुख कमल नाभि कमल 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 को साथ में उदाहरण देंगे। इसलिए कमल खिलता है दिन में, लेकिन रात में कमल फूल खिल गया। और जिस समय कृष्ण आएंगे आकाश में काला मेघ छा गया है, क्यों? भगवान उसकी रंग लेकर के आएंगे। रिमझिम बारिश कर रहा था, लेकिन अब मेघ और चंद्रमा में लड़ाई शुरू हो गई। बोले क्यों? मेघ नीचे चंद्रमा ऊपर में, चंद्रमा का ए मेघ मेरे सामने से हट जा। बोले क्यों? बोले तेरे को पता नहीं आज प्रभु मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं,
भगवान मेरे रंग को लेकर के आ रहे, मेरे कलर को लेकर के आ रहे। बोले तेरे कलर लेके, लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्य मेरे है, क्यों? मेरे वंश में आ रहे हैं। देवता लोग बोले भैया ये लड़ाई झगड़े करने का थोड़ी समय है, अभी तो आनंद लेने का समय, तू भी थोड़ा हट जा, चंद्रमा को भी आनंद लेने दे, तू भी आनंद लो। हैं, इसलिए सारा दुनिया में जयजयकार हो रहा था, सारे देवता लोग आकाश मार्ग में, शंकर ब्रह्मा इंद्र चंद्र भाई वरुण, सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के भगवान की जन्म उत्सव का आनंद ले रहे थे, जिसमें स्वयं शंकर, जितने देवियां, ये सब के सब देवता लोग भी आए, जितने देवियां भी स्त्री रूप धारण करके आ गए। इसलिए आप जितने बैठे हो ना, कौन है सब देवी हो, सबके सब, सब मानव शरीर बन करके सबके सब भगवान की जन्म उत्सव में सबके सब आए हो। बोले नंद के लाला की जय। अभी लग रहा था जैसे आज रात को ही लाला की जन्म है जाएगा, इसलिए अभी गांव में 8 बजे तक जगे रहते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं, हैं? अभी उसके बाद में सो जाते हैं। भगवान ने किया क्या, सबको जो माया से बुला दिया, लेकिन पता नहीं सवेरे किया हुआ नहीं हुआ, एक साथ में मैया यशोदा 2 बच्चों को जन्म दी, पहले तो कृष्ण को फिर जोगमाया को दी। इतने में वसुदेव महाराज मथुरा से कृष्ण को लाए, वो कृष्ण अंश कृष्ण, जो गोकुल में जो कृष्ण वो पूर्ण कृष्ण थे, वो अंश कृष्ण को उन्होंने अपना शरीर में मिला दिया, लेकिन किसको पता ही नहीं चला, बेटी को लेकर चले गए। इतने में सबसे पहले सुनता की आप बोली, बोले भैया भाभी क्या क्या हालत है, दरवाजा खोल करके देखे, मैया यशोदा की गोद में बड़ा सुंदर एक श्याम सलोना सा एक बालक पीलका मारकर भी खेल रहा है। बोले भैया किसको पता ही नहीं कब लाला की जन्म हो गए हो। बोले सबसे पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, भैया को, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी, लेकिन भैया ये तो है कहाँ, ढूंढते ढूंढते बिना ब्रह्मांड घाट में नंद बाबा तो माला जप कर रहे थे, लेकिन माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब है, वो लाला कब है, वो लाला कब है, ऐसे बोल रहे थे। इतने में सुनंदा जा करके बोल दिया, बोले भैया कमाल है गए हो गए, इतना बोलते ही नंद बाबा ने छलांग लगा दी। बोले बहन कहाँ गए हो रे, बोले पहले ये बताओ मेरे को क्या मिलेगा, बाद में मैं बोलूंगी। बोले तेरे को नवला की हार देती हूँ। बोले भैया बात इतने बड़ी है ना, जिसको सामने नवला का हार भी फीकी है। बोले क्या, इसे कौन सा बात है, बोले बताओ और क्या दोगे। बोले जा जमुना किनारे में जो भैया चलते चलते हैं जितना जमीन जगह तेरे नाम पर लिखवा देता हूँ। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने ये जमीनी जगह में भी बचूंगी। बोले क्या इतनी बड़ी बात, बोले हाँ, बोले और क्या दोगे बताओ। बोले ले ट्रेजरी का सारा चाबी काट कर लेता, ट्रेजरी खोल करके जितने सोना दाना चांदी गिरे जवाब सब ले, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया पिता, बोले बाबा इतने बड़ी बात है ना, तेरी ट्रेजरी का चाबी काटेगी तेरे उसको सामने पूछूंगी। बोले इतनी बड़ी बात, बोले हाँ, बोले बताओ और क्या दोगे। बोले आज से मैं अपनी आप को तेरे को दे दिया, मैं तेरा ही बन गया, बता तो कहा भयो है। बोले बाबा तेरे घर में श्री लाला भयो है। इतने में ब्रजवासी बोले बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे, जा बड़े सुंदर बगल बंदी उनको पगड़ी, बड़े सुंदर उनको धोती, गले में सुंदर माला तिलक लगा दिए। बोले जा लाला को दर्शन करो। जब बाबा जीवन में पहला बार लाला को देखा, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे, इतने एकादशी व्रत रखे, इतने दान पुण्य यज्ञ किया, घर में के लाला की जन्म हो जाए, पहला बार लाला को मुख दर्शन करते ही संकल्प कर लिया, 20 लाख गैया जिसको चांदी में बढ़वा करके खुरा को, और सींग को सोने में बढ़वा करके, और जो गैया केवल एक ही बछड़ा जन्म दिया हम ब्राह्मण संतों को दान करेगी, और 7 तिल का पर्वत मखमल बल कपड़े से ओढ़ करके तिल दान का बड़ा दान है उसको मैं दान दूंगा। बोले पहले संतों को ब्राह्मणों को बुलाओ, इनके आशीर्वाद से मेरे घर में लाला भयो है। सारे संत ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, और जितने ब्रजवासी बड़े सुंदर बगड़ी बगलवती, और जितने गोपियां दूध दही मक्खन लेकर के आए, हाँ देखो
हरि बोल। जितने माता है ना आप सबके सब माता जसोदा की दल की, और जितने भाई लोग हैं सबके सब वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने माता है ना आप सबके सब गोपी गोपियों का दल के, जितने माता है मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई, ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो। आनंद नहीं आए लगता है, आज व्रत भी रखे नहीं ना, आवाज क्यों नहीं आ रही? बढ़िया बढ़िया प्रभु जी प्रसाद की व्यवस्था की, जोर से बोलो। बोले मैया जसोदा बधाई हो, मैया जसोदा बोली बधाई हो बधाई हो गोपियों, तुम लोग को आशीर्वाद से बुढ़ी उम्र में लाला को मुख दर्शन करने को मिलो है। लाला मेरो नहीं, लाला तुम लोगों का। और जितने पुरुष लोग थे नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, मेरे साथ में बोलना बधाई हो बधाई हो। बोले नंद बाबा बधाई हो। हाँ, इन लोगों ने पुरुष लोगों को जिता दिए। हाँ, अभी नंद बाबा बोले ये बूढ़े उम्र में भी आज हमने लाला को मुख दर्शन करने को मिला है, ये लाला नहीं सब लाला तुम्हारा ही है। इसलिए सबके सब ब्रजवासी बोल रहे थे जुग जुग जी और जसोदा मैया। अभी हमारे डोरीलाल प्रभु बड़े सुंदर भजने गाएंगे और श्याम सुंदर प्रभु भजने गाएंगे, इसलिए आप लोग सबके सब जो नाच सके ना वही खड़ा होना, जो नाच नहीं सकते वो खड़ा नहीं होना, ठीक है? जो केवल नाचना वही पर खड़े होना। तो मथुरा में लाला प्रकट भयो और यशोदा मैया के गृह अवस्था में लाला प्रकट भयो, समस्त ब्रजवासी नंद के द्वार पे जाने लगे। चलो भैया हमसे, अरे मनमंगल सका, चलो भैया चलो चलो, यशोदा मैया के यहाँ से बधाई लेके आगे, नंद बाबा बहुत उदार है और देखो हमारे महाराज ने बड़े उदार है, जो बधाई लाला के जन्म महोत्सव। तो पहले एक कवित्व हो जाए, जय जय श्री राधे। बोले नंद के लाला की, बड़ा ही सुंदर भावपूर्ण कवित्व है, उसके बाद में आरंभ कर दूंगा। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, क्योंकि लाला का जन्म है ब्रजवासी खून के कृपा है। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बल देवीजू, रसोखी सिरोही रूप रसाला। और नंद बाबा कैसे बने? नंद महीप बने नबकी, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा चले सिरानी में। और वो रात कैसी जगह यशोदा मैया ने लाला को जन्म दिया, जायो यशोदा चले सिरानी में, रघुड़ी सिरा तुम्हें और ये नरुआ सोलाना, रघुड़ी सिरा तुम्हें और ये नरुआ सोलाना। आओ सखिया चलो नंद बाबू के द्वार पे, सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार, लाला के अर्चन करिया, सखी चलो नंद के चलो
Thank you.
Yeah.
Yeah.
मेरी सहेली है महाराज जी, मैं याद दे रहा हूँ नंद राम का घोटू की जय दटकानो है और दही को और हल्दी को लाला के जन्म गोपी कहा कह रही है सोना लगी बात नंद द्वार पर लिपट गई। अरे बहना नंद द्वार पर लिपट गई बधाई नहीं गई। कैसे लिपट गई बहना बता दे रहा नंद के द्वार पर कैसी रेलम केला है और आइए नंद द्वार पे लिपट गई। अरे बहना भाई तू सच जा रही हो उठ जा। नंद द्वार पे लिपट गई बधैया
गोपी ग्वाल जय 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 बोलते कहा बूढ़े कहा बाल बोले नंद के लाला की जय। आइए जन्म लिया खोल के बजाएंगे भैया काले जन्म लिया मैया के आंगन में लाला जन्म लिया Thank you.
चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
I'm gonna go get some more.
पहले माताएं जाकर।